नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता। आज इस वीडियो में आप लोगों को नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा। अब ये बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म समझने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब तक हम पूरे प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक हम पैथोलॉजी को पकड़ नहीं सकते कि किस जगह पे पैथोलॉजी है, और उस जगह पे जब पैथोलॉजी नहीं पकड़ पाएंगे तो हम उसको जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से हमें जरूरी है कि जो है इस पूरे प्रोसेस को जानना। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। तो नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और हमारे शरीर में एक स्वस्थ शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, और 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है। तो जब 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 5 लीटर में आपका 750 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। मतलब 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 5 लीटर मतलब 5000 ml में 750 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। टोटल ब्लड में जो है 750 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब इसमें अगर दूसरे शब्दों में कहें तो टोटल ब्लड में हमारे 25 ट्रिलियन आरबीसी मौजूद रहते हैं एट एनी टाइम। आप कभी भी जांच अपने पूरे, अगर आपके अंदर ब्लड में 5 लीटर ब्लड है तो उसमें आना एवरेज 20 से 30 ट्रिलियन किताब में मेंशन है, लेकिन हम इसका एवरेज लेते हैं तो 25 ट्रिलियन आरबीसी ब्लड में हमेशा मौजूद रहते हैं। इस 25 ट्रिलियन आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर। इसमें कितना होता है, 750 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब ये 750 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब ये पर डे जो है, आपको पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड ब्लड मैरो में होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन साइट हो गया। तो प्रतिदिन 200 बिलियन आरबीसी पर डे रेड ब्लड मैरो में बनता है। ल्यूकोपियोसिस के द्वारा जो है डब्ल्यूबीसी 10 बिलियन पर डे बनता है। इसी तरह प्लेटलेट का फॉर्मेशन 400 बिलियन प्लेटलेट का फॉर्मेशन पर डे रेड बोन मैरो में होता है। अब जब ये जो है इधर इतना बनता है, इतने अब 200 बिलियन आरबीसी का पर डे डिस्ट्रक्शन होता है। अब डिस्ट्रक्शन साइट क्या है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, लीवर है। अब ये इतना यहाँ 200 बिलियन आरबीसी के, इनके स्प्लीन, बोन मैरो और जो है लीवर, ये तीनों क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के पार्ट हैं। इनके मैक्रोफेज सेल के अंदर, इनके जो है मैक्रोफेज सेल के अंदर आरबीसी का हीमोलिसिस होता है। ये जनरल प्रोसेस है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, 85% तो स्प्लीन में हो जाता है, बाकी 10-15% लीवर और उसमें होता है। तो जब आरबीसी पहले इस पे टूटती है, तो आरबीसी जब टूटती है मैक्रोफेज सेल के अंदर, तो इसमें से ग्लोबुलिन बनता है, हीम बनता है, और जब हीम फर्दर टूटता है तो आयरन और बिली वर्डिन बनता है। तो ग्लोबुलिन और आयरन ये तुरंत पुनः जो है रीयूज हो जाता है एरिथ्रोपोएसिस में, अर्थात रेड बोन मैरो में एरिथ्रोपोएसिस में पुनः इसको रीयूज हो जाता है। अब जो पहले क्या होता है, हीम का ऑक्सीडेशन होता है, हीम ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बिली वर्डिन बनता है, फिर इसका रिडक्शन होता है बिली वर्डिन का, ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, किस एंजाइम की उपस्थिति में, बिलिरुबिन रिडक्टेज। इसका मतलब पहले ऑक्सीडेशन हुआ फिर रिडक्शन हुआ, तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन है जिसको हम नॉर्मल बिलिरुबिन बोल देते हैं, इसका मतलब होता है प्लेन बिलिरुबिन का मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये बिलिरुबिन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। मतलब ये बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो इस वजह से जो है ये जो है हमारे शरीर के लिए ज्यादा घातक है। मतलब ये ब्रेन में चला जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्रेन में भी जा सकता है, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। अब ये निकलेगा नहीं, इसको निकालने का काम है लीवर सेल का। लीवर सेल क्या करता है, इसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये जब यहां से यहां जाएगा तब ना, तो जाने के लिए
एल्ब्यूमिन, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन रहती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन इसको पकड़ के माइक्रोफेज से निकाल के इसको ये एल्ब्यूमिन पकड़ के इसको लीवर सेल के अंदर जाते हैं। लीवर सेल के अंदर ये जाने के बाद बिलिरुबिन जो है ग्लूकोरोनिक एसिड से ये जुड़ जाता है। किस एंजाइम की सहायता से? बिलिरुबिन यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। अब ये इस एंजाइम की सहायता से ये बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड है, ब्लूरुबिन जो ग्लूकोरोनाइड है, इसी को हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होता है। अब देखिए यहाँ वाटर सॉल्युबल नहीं था, यहाँ वाटर सॉल्युबल हो गया। इसमें किसने हेल्प की? एल्ब्यूमिन ने हेल्प की। एल्ब्यूमिन का काम था इसको ले जाके छोड़ दिया, अब पुनः ये एल्ब्यूमिन निकल के ब्लड प्लाज्मा में चला गया। तो ये एक तरह से पुलिस का जिस तरह काम करती है उसी तरह एल्ब्यूमिन काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये बिलिरुबिन ग्लूकोरोनिक एसिड से जुड़ गया। किसके एंजाइम में? बिलिरुबिन यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ गया। अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया। वे वाटर सॉल्युबल हो गया तो ये बिलियरी चैनल, ये पूरा क्या होता है, बिलियरी चैनल होता है। इस बिलियरी चैनल के थ्रू ये जो है इस ड्यूडिनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में आता है। अब कोलन पार्ट में वहां बहुत से बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जो इसको जो है बदल देते हैं यूरोबाइलिनोजन में। अब ये यूरोबाइलिनोजन फिर स्टर्कोबाइलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर ये स्टर्कोलिन के रूप में स्टूल के थ्रू निकल जाता है। अब देखिए मना कितना था, आपने देखा कि जब 25 ट्रिलियन आरबीसी में 750 ग्राम हीमोग्लोबिन था, अब 200 मिलियन पर डे बन रहे हैं तो लगभग 8 ग्राम हीमोग्लोबिन, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 ग्राम है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से 35 ग्राम बिलिरुबिन बना तो 8 ग्राम से लगभग 280। अब इसका जो है 280 मिलीग्राम पर डे बना, इसका जो है 85% आप स्टूल के रूप में अर्थात 240 मिलीग्राम पर डे जो है इसके यूरिन के थ्रू, अरे सॉरी एक्सक्रीज कर गया स्टूल के थ्रू। अब 1-2% यूरिन के थ्रू अर्थात 5 मिलीग्राम इसमें 280 का 5 मिलीग्राम पर डे यूरिन के थ्रू निकल। अब 10-15% यूरोबाइलिनोजन इंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन, 10-15 मतलब 40-50 एमजी पर डे इंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन से पुनः फिर लीवर में पहुंच गया। अब देखिए, अब ये आपने पूरी मैकेनिज्म समझ लिया कि निकालने के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, बिलिरुबिन को निकलने के लिए क्या होना जरूरी है, कॉन्जुगेशन जरूरी है। अगर बिलिरुबिन नहीं निकलेगा कॉन्जुगेट होके तो क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे या तो प्रोडक्शन साइड पे गड़बड़ी हो, या तो डिस्ट्रक्शन साइड पे गड़बड़ी हो, या तो कॉन्जुगेशन साइट है जहां उसको कॉन्जुगेट करते हैं इस साइड पे गड़बड़ी हो, या फिर बिलियरी चैनल में गड़बड़ी हो, बिलियरी चैनल में गड़बड़ी हो या जो है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कहां पे किस चीज से क्या हो रहा है। तो सबसे पहला देखते हैं प्रे, जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस, हीमोलिटिक जॉन्डिस डिस्ट्रक्शन साइट पर। अगर सपोज करें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें डिस्ट्रक्शन साइट पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने लगे, तो जैसे है मलेरिया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिनोपैथी है, थैलेसीमिया है, जेनेटिक डिफेक्ट, ये सब आरबीसी के मार्कोलॉजी में जेनेटिक या एनाटॉमिकल चेंजेस हो, ये सबसे ज्यादा जब यहाँ से डिस्ट्रक्शन होगा तो डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, सबसे ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। अब जब अनकॉन्जुगेटेड बनता है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये इस नाते हीमोलिटिक में जॉन्डिस में जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। अब ये बिलिरुबिन चूंकि चैनल के थ्रू है, ये ब्लड में जाएगा ब्लड के थ्रू, तो ब्लड में जब जाएगा तो इसकी वजह से डार्क स्टूल और डार्क यूरिन हो जाएगा, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो डार्क स्टूल होगा, डार्क यूरिन हो जाएगा क्योंकि बिलिरुबिन की वजह से। अब अगर कोई पैथोलॉजी मान लीजिए लीवर के अंदर है, तो लीवर के अंदर पैथोलॉजी है तो उसको बोलेंगे हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यहाँ के कारण से है बिलिरुबिन बढ़ा हुआ तो इसको हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस, जैसे है हेपेटाइटिस ए ई एफ जो कि कंटामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू जो है वायरस का संक्रमण होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का, तो इसमें हेपेटाइटिस हो गया। अब ये लीवर सेल इन्फ्लेम कर गया, ठीक है। दूसरा कारण है हेपेटाइटिस बी सी डी जी एच, ये जो है किस, इसका ट्रांसमिशन ब्लड फ्लूड का कांटेक्ट से होता है, मतलब ब्लड फ्लूड के कांटेक्ट से ये जो है हेपेटाइटिस होता है।
एल्कोहलिक हेपेटाइटिस एल्कोहल के कारण होगा, फैटी लीवर आयल के कारण, फैट के ज्यादा, हम जानते हैं कि फैट का मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर 6 स्टेप में होता है, अगर इस 6 स्टेप में किसी भी स्टेप पर जो है गड़बड़ी हो जाए तो वो फैट जो है लीवर के सेल में जाके डिपॉजिट होने लगता है। इसी तरह एल्कोहल सिरोसिस ऑफ एल्कोहल या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में एल्कोहल पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर फॉर्मल्डिहाइड, बहुत एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बहुत टॉक्सिक होता है, तो ये हमारे लीवर सेल के ईटो सेल को जाके डैमेज कर देता है, उसके बाद वो लीवर वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस होने से फाइब्रोसिस जब हो जाती है तो फिर जो है लीवर सेल का कार्सिनोमा भी आगे चल के हो सकता है, और या हिपेटिक सेल फेल्योर हो सकता है, उसके बाद वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब यहाँ पैथोलॉजी रहेगी, मतलब इसमें कहीं गड़बड़ी रहेगा, तो होगा क्या कि इसका पर्याप्त मात्रा में बिलिरुबिन का, जो वाटर इनसॉल्युबल बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का यहाँ पर्याप्त मात्रा में न कंजुगेशन हो पाता है, न पर्याप्त मात्रा में यहाँ से एक्सक्रीशन हो पाता है। तो जब पर्याप्त मात्रा से एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, होता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, इस नाते यहाँ पर अनकंजुगेटेड भी बढ़ेगा और कंजुगेटेड दोनों बढ़ेगा, क्योंकि कंजुगेशन भी हो रहा है। मान लीजिए 50-60% कंजुगेशन भी हो रहा है और 50-60% नहीं कम हो रहा है, तो पर्याप्त मात्रा में न तो कंजुगेशन हो पाता है न पर्याप्त मात्रा में एक्सक्रीशन हो पाता है, इस नाते कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों बिलिरुबिन बढ़ते हैं। अब जब ये जो है फिर तो इस और इसमें फिर चूंकि ये लीवर सेल इन्फ्लेम्ड है, अब आप देखें हेपेटाइटिस में क्या हुआ, लीवर सेल इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो SGOT और SGPT भी बढ़ेगा, तो SGOT और SGPT भी बढ़ेगा। अब ये जब पुनः जो है, अब तीसरा कारण क्या हो सकता है कि बिलियरी चैनल में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो इसको हिमोलोटिक जॉन्डिस या प्रीहिपेटिक काज है। अब यहाँ जो है बिलियरी चैनल में कोई गड़बड़ी है, बिलियरी चैनल में क्या हो सकता है, एट्रेक्सिया ऑफ हेपेटिक डक्ट हो सकता है, मतलब हेपेटिक डक्ट जो सिकुड़ गई हो, और गाल स्टोन, इसमें गाल स्टोन हो गया हो, ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट का ट्यूमर हो, या कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज हो, या कैंसर हो, या कार्सिनोमा ऑफ एम्पुला ऑफ वाइटर जो जहाँ से खुलता है वहाँ पे जो है वो, या कोलिसिस्टाइटिस हो, सब के कारण से इसके ड्रेनेज में, बाइल के ड्रेनेज में प्रॉब्लम आती है। तो जब बाइल के ड्रेनेज में प्रॉब्लम आएगी तो ये रिवर्स मारेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिगर्विटेशन करेगा, रिगर्विटेशन मतलब लीवर सेल में ही जाएगा घूम के, तो घूम के जाएगा कि यहाँ कंजुगेशन तो प्रभावित नहीं है, लेकिन तो और फिर घूम के जा रहा था, यहाँ क्या बढ़ेगा इसमें में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हमें पता है कि एल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ता है, तो एल्कलाइन फास्फेटेज भी बढ़ेगा, और जो है ऑब्स्ट्रक्शन के केस में चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ से बाइल जब यहाँ नहीं आ पाएगा तो हमारे फूड का जो फैट पार्ट है, जिसमें फूड में जो आयल है, जो फैट फैटी चीजें हैं, उसका जो है मेटाबॉलिज्म बाइल के कारण होता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाएगा। तो जब फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो क्ले कलर का स्टूल आएगा, चिकना कलर का स्टूल आएगा, जिसको आयुर्वेद में तिल पिष्ट संनिभम कहते हैं। तो आपने देखा कि एक तीन हो गया कार्य, हिमोलिटिक जॉन्डिस यहाँ ज्यादा हिमोलिसिस होने से हो रही है, और दूसरा हो गया हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस सेल के हिपेटिक सेल के अंदर हो रही, तीसरा हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब जो है आप समझिए, अगर प्रोडक्शन साइड पे गड़बड़ी है, प्रोडक्शन साइड में प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, जैसे प्लास्टिक एनीमिया है, ये कुछ हुआ है, अब आपका डिस्ट्रक्शन तो नॉर्मल है लेकिन प्रोडक्शन साइड में है, तो प्रोडक्शन साइड में जब आर्ड बुन से आरबीसी नहीं बनेगी तो एनीमिया हो जाएगा, एप्लास्टिक एनीमिया, तमाम एनीमिया हुआ है, और जब एनीमिया ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से होगा तो कहेंगे हिमोलिटिक एनीमिया, अब ज्यादा डिस्ट्रक्शन से बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे हिमोलिटिक जॉन्डिस, ज्यादा डिस्ट्रक्शन से आरबीसी जब डिस्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से एनीमिया होगा कहेंगे हिमोलिटिक एनीमिया, और इसी तरह अगर ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगी तो उसको हिमोलिटिक बनने से तो हिमोलिटिक जॉन्डिस कहेंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो है नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म था, और इसमें कहीं चीज अगर कोई आपको न समझ में आए तो कृपया कमेंट में डालें, और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो है मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, इस नाते सभी स्टूडेंट
छात्र छात्राओं से सभी में से लोगों से मेरा अपील है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह आप लोग इससे हमारा प्रोत्साहन होता है और फर्दर हमें वीडियो बनाने की इच्छा होती है। धन्यवाद।